माय नेम इज़ मोहम्मद जीशान अहमद एंड आई एम फ्रॉम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सो हाँ टर्न अभी यहाँ पर तो ओडिया बच्चे वहाँ पर वैसे कि वही ज़्यादा कम से कम पचास है और वहाँ पर स्थिति है कि अभी वो अभी बॉर्डर पास अभी वहाँ पर है वहाँ पर बॉर्डर पार करने के लिए वहाँ पर अभी असमंजस वहाँ पर जूझ रहे लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो हम बॉर्डर पार कर सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ पर प्रोसीजर बहुत आसान हो गया और जल्दी जल्दी वो बच्चों को जाने दे रहे तो अगर वहाँ कोशिश में लगे रहे तो वो तुरंत बॉर्डर फिर उसके बाद वो आराम से मतलब घर में कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें पहुँचने में जब मैं वहाँ पर था तो मैं वहाँ पर गया था छब्बीस जनवरी ये छब्बीस फेबर को और आपको पता है चौबीस फेबर को रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन को तो 26 फरवरी को हम लोग सुबह ये आठ बजे निकले थे और हम हमारी ड्राइवर ने गलत रूट ले लिया था तो हम लोग रात को आठ बजे रोमानिया पहुंचे थे फिर हमें वहाँ से पैदल चलनी पड़ी थी 10 किलोमीटर क्योंकि बीच में ट्रैफिक कितनी थी वो बॉर्डर एरिया में पहुँचने की तो वहाँ बॉर्डर एरिया के पास वहाँ पर एक पी पी ऑयल है तो पी पी ऑयल है वहाँ पर हमें वहीं पर रहना था समझ लो पेट्रोल पंप है एक वहाँ पर बड़ा सा वहाँ दो एक कैफ़े है वहाँ पर एक टर्किश कैफ़े तो वहीं पर हमें रहना था कोई बंदोबस्त नहीं था हम अपना खाने पीने का बैग से लेके आए थे बस और वहाँ पर आपको वहाँ पर डायरेक्ट जाकर लाइन पे लगना था वहाँ पर तो कोई लाइन लगा नहीं था तो भीड़ बहुत थी क्योंकि दो हज़ार वहाँ पर बच्चे थे वहाँ पर एट दट टाइम प्रेजेंट अभी तो और ज़्यादा भी हो गए होंगे तो वहाँ पर दो हज़ार बच्चे थे तो सबको बॉर्डर क्रॉस करना है तो वहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना करना मतलब अगर आप दिन का आपको समझ लो पंद्रह पंद्रह घंटा आपको वहाँ आप पर लाइन पे खड़े रहना है तभी आपकी बारी आ सकती है नहीं भी आ, आप आगे पहुँच भी गए तो यूक्रेन सोल्जर लोगों की टाइम हो जा रही थी अब गेट क्लोज़ हो गया अब चला जाओ अब नहीं होगा अब डायरेक्ट आपका शाम को चार बजे खुलेगा तो उसका दिक्कत का सामना करना पड़ता था, था बच्चों को बजा रहे हैं हाँ मैं तो वहाँ पहले छब्बीस फेबर को वहाँ पर आया आया था तो मैं सत्ताईस फेबर को रात को मैं वहाँ से निकला वहाँ पर निकला तो फिर वहाँ से मैं निकल के चेक पॉइंट अंदर में जाके फिर ये चेक पॉइंट करना पड़ता है कुछ ये इमिग्रेशन का पूरा वो पासपोर्ट में लगाने के बाद फिर मैं वहाँ से निकल कर वहाँ सेल्टर में देखा कि वहाँ पर कोई जगह खाली नहीं थी तो मैं वो जा रहा अच्छा लगा कि उसी टाइम मेरा ये बस आ गया एयरपोर्ट जाने के लिए बूचा रहे रह। इस तरफ तो मैंने कोशिश किया कि मैं चला जाऊँ अपना बस से एयरपोर्ट वो बेटर बेटर रहेगा क्योंकि बाहर ठंडी बहुत थी और बस में भी ठंडी लगेगी नहीं मेन वहाँ पर है ठंडा का इशूज़ है वहाँ पर क्योंकि माइनस पाँच डिग्री है तो ठंडा बहुत लगता है लोगों तो वहाँ पर पहने थे वार्म क्लोथ लेकिन ठंडी बहुत है ना दिक्कत है बाहर में रहना तो हम लोग वहाँ से बस से डायरेक्ट चला गया मैं वहाँ पर एयरपोर्ट एयरपोर्ट में फिर वहाँ पर वो ऑफिशियल्स लोग थे इंडियन एम्बेसी वाले थे नाम हम लिखा रहे थे खाने पीने की सब फ्री थी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिर वो लोग अपना वो इसके अपने हिसाब से फ्लाइट जब तब हुई रात को हमें वहाँ से ग्यारह बजे की फ़्लाइट थी लेकिन वो पोस्टपोन होकर एक बजे हो गई फिर मैं वहाँ पर एक बजे की फ़्लाइट लेकर फिर मैं एक मार्च को सुबह पहुँचा दोपहर को पहुँचा वही फ़्लाइट मेरी आई अराइव करी वन वन थर्टी में अप्रोक्स इंडियन स्टूडेंट अभी वहाँ पर बहुत है कम से कम अभी बोल सकते हैं दस हज़ार से ज़्यादा ही इंडियन स्टूडेंट अभी यहाँ बचे खासकर खासकर ईस्ट साइड वाले लोग ज़रा ज़्यादा डरे हुए लेकिन अभी गवर्नमेंट जैसे भारत सरकार अभी मदद कर रही है और तेज़ी से वो लोग ले, लेकिन कल भी एयरफोर्स वाले आए वो अपनी फ्लाइट लेकर प्लेन लेकर तो वो लोग भी और अभी प्रोसेस जल्दी और तेज़ होगा हाँ उड़ीसा गवर्नमेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ही छात्रों को मदद किया हर जगह हर आ, कीमत पे उन्होंने छात्र को कोशिश किया कि उनके कोई तकलीफ ना आ पाए उनसे हर जगह हर समय कांटेक्ट में रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहे छात्र को तो क्या बोलेंगे सीएम को अब मैं वो बोलना चाहूँगा कि आप कुछ आपकी मैं तो आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ लेकिन आप ज़्यादा ईस्ट साइड ज़रा तो ध्यान दें और वहाँ के बच्चों को निकालने की कोशिश करें क्योंकि उनके भी ब, अभी बहुत सारे माता पिता के बच्चे अभी वहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि वो भी अभी इंतजार कर रहे अपने बच्चों से मिलने के लिए ईस्ट साइड में, में ज़्यादा डेंजर है तो आप वहाँ से बच्चों की ज़्यादा निकालने की कोशिश करें जैसे खारकी हो गया कीव हो गया उड़ीसा हो गया क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डेंजर वेस्ट साइड तरफ उतनी डेंजर नहीं थी ईस्ट तो साइड ज़्यादा है और ईस्ट साइड से आपको इधर वेस्ट ये बॉर्डर तरफ आना टाइम भी ज़्यादा लगेंगे इसलिए आप ज़्यादा फोकस अभी ईस्ट साइड तरफ करें और वहाँ को बच्चों को जल्दी से जल्द निकालें हाँ सीएम ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया बच्चों को मतलब हर जगह कोई दिक्कत आने की दिक्कत आने नहीं दिया है तो वही मैं सीएम को यही कहना चाहूँगा आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है बच्चों के लिए और यही कहना चाहूँगा कि अभी और हो सके तो और करिए और ईस्ट साइड वालों को बच्चे को निकाल लाए है